फाइनली पापा मम्मी जाने वाले हैं। अब एक्साइटेड एक्साइटेड। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तभी गाइस मस्त सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो गए हैं बिकॉज आज हम जा रहे हैं मुंबई मम्मी पापा को लेके फर्स्ट टाइम फ्लाइट में। मम्मी पापा ने आज तक कोई फ्लाइट देखी भी नहीं सामने से कि एरोप्लेन होता कैसा है, तो आज उनको उसमें बिठाएंगे। बस ऊपर से देखा है, ऊपर से उड़ते हुए, तो आज बिठाएंगे, उनका रिएक्शन देखेंगे। एक्चुअली मुंबई में ना मेरे एक फ्रेंड है, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनकी शादी है। तो गैस कर सकते हो किन की शादी होगी। तो मैं सोचा चलो मम्मी पापा को भी ले चलते हैं, शादी में जाना ही है। तो हाँ, मम्मी पापा का फर्स्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा एरोप्लेन में और मुंबई भी घूम लेंगे। तो काफ़ी सारे सरप्राइज है मम्मी पापा के लिए और भी काफ़ी लोगों से मिलेंगे वहाँ पे। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मम्मी पापा को ले जाने के लिए। एरोप्लेन में मुंबई घुमाएंगे, हम 4-5 दिन आई थिंक वहीं पर रुकेंगे। टिकट्स एंड होटल्स तो मैंने 4 दिन पहले बुक कर दी थी, मम्मी पापा का भी कर दिया, साहिल और मेरा। हम 4 जने जा रहे हैं। तो पीयूष ने जाया, पीयूष का स्कूल है, कुनाली का स्कूल है, बाकी चाचा जी उनको देखने के लिए। तो हाँ, चाचा जी को नेक्स्ट टाइम ले जाएंगे, अभी मम्मी पापा को ले आते हैं। और मैं सोच रहा हूँ अब कहीं भी जाऊँगा ना तो मम्मी पापा को ले जाऊँगा बिकॉज इवेंट्स वगैरह में जाता रहता हूँ मैं। तो मम्मी पापा को ले जाऊँगा, मम्मी पापा का भी माइंड फ्रेश रहेगा। चलो, हम रेडी हो गए मुंबई जाने के लिए, पीयूष रेडी हो गया स्कूल जाने के लिए। कोई बात नहीं, पीयूष को नेक्स्ट टाइम, जब अभी तो उसकी स्कूलिंग है ना, अभी तो उसकी पूरी लाइफ पड़ी है, स्कूलिंग जरूरी है ना। तो गाइस मम्मी पापा तो रेडी हो गए हैं मस्त। तो फिलहाल चाय पीते हैं और चलते हैं। बोलो मुंबई चलेगा। गाइस हमारी मम्मी इतनी सिंपल है कि मम्मी के फेस पे आपको लगेगा नहीं इतना एक्साइटमेंट, लेकिन मम्मी अंदर से एक्साइटेड है। आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ? कहाँ? क्यों नहीं पता है? पता है कहाँ जा रहे हैं बताओ? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे, मम्मी को लग रहा है दिल्ली जा रहे हैं। तो गाइस जाते जाते कुनाली मुझसे रूठ गया है। कुनाली क्यों रूठे हो? शाम को पापा जी को कहना वहाँ तक घूमने चलो, अपने लिए नहीं आना, धूप है। ले लो पैसे, ले लो। आपका रूठा हुआ अच्छा नहीं लगता फेस। पारी कर दो यहाँ भी। थैंक यू, थैंक यू। लेट्स गो गाइस। सारा सामान डालते हैं गाड़ी में। गाड़ी अपनी रेडी है, कल धुलवा ली थी, वो मस्त चमक रही है ना। तो गाइस कुनाली भी रेडी हो गया स्कूल जाने के लिए। चाची ख्याल रखना, चाचा ख्याल रखना। कुनाली बाय, कुनाली बाय बाय। चलो गाइस निकलते हैं। 8 बज चुके भाई, हमको पहुंचना है वहाँ 2 बजे तक। एयरपोर्ट पहुंचना है हमको क्योंकि 5 बजे की फ्लाइट है। तो 3 घंटा पहले पहुंच के मम्मी पापा को थोड़ा एयरपोर्ट भी घुमाएंगे ना। गाइस सुबह सुबह जंगल देखो कितना प्यारा लग रहा है फॉग के साथ। तो गाइस बात ऐसी, मम्मी की हालत खराब हो गई है, मम्मी को मोशन सिकनेस हो रहा है, सारा मूड खराब, मम्मी का भी, मेरा भी, पापा का भी, सबका। और आगे बिठा दिया मम्मी को, आगे क्या पता ना हो। तो मम्मी अपने हाथों से मुझे खिलाई खाना। मम्मी अभी तो देखो हम रोड पे चल रहे हैं ना, अभी हम उड़ रहे होंगे, अभी हमको ऊपर से दिखेगी रोड, देखना ऐसे लगेगा आसमान नीचे आ गया, हम ऊपर आ गए। तो मैंने 4 सीट एक साथ कराई, उसमें एक विंडो सीट भी है। पता है मम्मी कहती थी मेरे को मैं कभी नहीं बैठूंगी, मम्मी को डर लगती थी। आज शाम को हम उड़ रहे हो गए। आप अभी सोता था मम्मी, डर तो नहीं लगेगा कि हमारे बच्चे हमें? तो पता लगेगा वहीं जाके। झूला 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 अपने कभी? झूला झूले कौन से बड़े वाले? मुझे ऐसे ऐसे हो जाता है वो, वैसे झूले जैसा है। मैंने झूले भी नहीं झूले, नहीं वो झूले जैसा होता है। तो फाइनली गाइस एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। तो सारा सामान इसमें रख लेते हैं। डर तो नहीं लग रहा ना? तो पापा जी डर तो नहीं लग रहा? नहीं। तो एहसान में हमको क्या डर? तो भी गाइस अंदर तो आ गए हैं। अब पहले बैग दे देते हैं, बैग जमा करा देते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। तो भी जा रहे हैं बोर्डिंग पास लेने के लिए, बैग देने के लिए। मम्मी पापा खड़े हैं वहाँ पे, तो हम दोनों ही आ गए सिर्फ। तो बैग गए हमारे। अब मुंबई मिलेगा ये सामान, अब सीधा मुंबई मिलेगा हमको। अच्छा ऐसा होता है क्या? ऐसे इसको भी डाल देते हैं। नहीं इसको हाथ में ले जाओ ना। ये रे बोर्डिंग पास, ये बोर्डिंग पास होते हैं, ये मेन चीज। अगर बैग दोगे तो ये मिलता है, ये मतलब टिकट है आपकी, टिकट समझ लो इसको। लो मम्मी, मम्मी ये आपका लो। और वो कहाँ गया आधार कार्ड? कहाँ है आधार कार्ड? हमारे पास ये लो, ये आपका है, संभाल लियो ना। ले साल तेरा, ले साल तेरा। भाई इतना सारा सामान। गाइस एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, मैं अपना लैपटॉप लाना भूल गया भाई। एडिट कैसे करूँगा मैं? अब मैंने अभी देखा चेकिंग के टाइम पे, लैपटॉप ही नहीं है मेरा। सब कुछ रखा मैंने, लैपटॉप नहीं है, चार्जर भी रखा हुआ है लैपटॉप का, लेकिन लैपटॉप नहीं है। चलो छोड़ो भाई, देखी जाएगी। मम्मी पापा घुमाते हैं यहाँ पे। अभी आपको लग रहा होगा कि एयरपोर्ट नहीं है, मॉल लग रहा होगा ना। हाँ। मॉल किधर है? गाइस मेरे को तो मेरे लैपटॉप की टेंशन हो रही है यार। मैं ब्लॉग बना तो रहा हूँ, उसका एडिट कैसे करूँगा भाई? मैं मुंबई जा तो रहा हूँ, एडिट कैसे करूँगा? एडिट नहीं है। तो भी गाइस बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, हम लाइन में लग चुके हैं। तो अब चलते हैं अंदर। यहाँ से हम जाएंगे बस में। बस में कहाँ? बस में प्लेन तक। प्लेन तक मतलब बहुत दूर लगती है प्लेन। नहीं यहीं पे बगल में ही। मम्मी सोच रही है कौन सी बस में ले जा रहे हैं। अभी मम्मी पापा बैठ गए, हम दोनों भाई तो खड़े हैं बस। फाइनली पापा मम्मी जाने वाले हैं। अब एक्साइटेड एक्साइटेड। चलेंगे इसके अंदर, हल्द्वानी में ही हो ना? हाँ हल्द्वानी में। चले फिर, अब चले। अपना टिकट दिखा देना। फाइनली जाने वाले मम्मी पापा। आगे साहिल गाइज लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, मम्मी पापा को फर्स्ट टाइम लेके जा रहा हूँ। ओ फाइनली टच कर दिया, फाइनली मम्मी आप भी टच कर दो। फाइनली मम्मी ने भी टच कर दिया। मेट्रो की तरह नहीं, मेट्रो की तरह नहीं है यार। अभी विंडो में कौन बैठेगा? विंडो बंद है, नहीं खुल जाएगी वो तो। चलो एक जना चले जाओ विंडो में, आप दोनों उधर चले जाओ। बीच में आता हूँ, बीच में आता हूँ। चलो मम्मी चलिए, आते हो आप चले जाना। ओके कोई बात नहीं। फाइनली पापा जी इधर बैठ जाओ। मुझे से ऐसे लग रहा है कि इतने लोग कैसे आएंगे अंदर से, इतनी जगह होती है। अंदर बहुत जगह है। हाँ खोलो, ऊपर करो, कर दो ऊपर कर दो। खुल गया। मुझे बताना ये ना जिसमें से हम चढ़ के आए थे ये इसी का है? नहीं, वो अलग से लगा। आप कैसे लग रहा है? बहुत मस्त लग रहा है यार। आते हुए आप बैठ जाना। हाँ और साहिल यहाँ बैठा सामने हमारे। मम्मी की अलग ही फोटोग्राफी चलती है यहाँ पे। सुनो मुंबई में आपका स्वागत है। रास्ते में टर्बुलेंस की आशंका है, जब भी कुर्सी की पेटी का टर्बुलेंस हो सकता है। कुर्सी की पेटी ऐसे ऐसे हिल सकता है। हमारे कैबिन क्रू द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। टर्बुलेंस मतलब मौसम बिगड़ता है ना, तब ऐसे ऐसे हिलता है। मौसम बिगड़ता है तो टर्बुलेंस हो सकता है, कह रहा हूँ। डरो मत, अरे कुछ नहीं होता है। ऐसे रोज तो जाते हैं, रोज तो जाते हैं। टर्बुलेंस तो मतलब हल्का हल्का हिलता है। टर्बुलेंस हिलता है ऐसे ऐसे हिलता है, ऐसे ऐसे। तब तो मैं तेरे को कहती नहीं थी इसमें नहीं बैठना चाहिए करके। नहीं बैठना चाहिए तेरे को पहले नहीं कहती थी मैं। इसमें पानी का नाव हो गई, इसमें भी नहीं बैठना चाहिए। ये चीज़ें ना खतरे वाली चीज़ें हैं। खतरे वाली चीज़ें और क्या। मैंने कहा ये पूरा बंद है, इसमें हवा हो कहाँ से आती है? हवा है इसमें कहाँ है? बंद है देख, पूरी बंद है। पापा जी चिल हैं, पापा जी चिल हैं ना। मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। मम्मी को डर लग रहा है। डर लग रहा है? पहली बार बैठे यार बेटा, थोड़ा वो तो होगा। मजा आ रहा है मम्मी का रिएक्शन देखने में। हवा से चलता है, हवा से चलता है, हवा भरी फ्यूल चलता है, फ्यूल से। तो फाइनली हमारे बच्चों ने हमें आज फ्लाइट में बिठाई दिया। चल गया। उड़ गया। मम्मी थोड़ी देर पहले हम रोड पे थे, हम हवा में आ गए। नीचे देखो, व्यू देखो कितना मस्त आ रही है। तो अभी खाने पीने के लिए आ गया। कुछ खाने ये है पनीर बटर मसाला। फाइनली पहुंचने वाले मुंबई। एकदम झटका लगेगा। फाइनली रीच्ड मुंबई। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बढ़िया लगा और मज़ा आ गया। सो रखे थे आप तो। या श्योर। इसको बोलते हैं एयरबस। ये जो था ना इसको एयरबस बोलते हैं। अच्छा गाइस देखो मम्मी यहाँ से आ रही है। मम्मी को इससे ही डर लग रहा है। इससे कौन डरता है मम्मी? अरे चलो आप चलो, आगे दोबारा आ गया। अरे चलो ना, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं करना, बस पैर रखना है, बस पैर रखना है। चलो चलो। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसमें यहाँ पे पापा जी सही कॉन्फिडेंट है, चिल है, मस्त। हाँ मैं जल्दी सीख जाता हूँ, इंसान से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। ये क्या बात हुई इंसान। तो अब चलते हैं अपने बैग लेने के लिए। हमारे 3 बैग थे। यहाँ पे ना बेल्ट होती है, ये बेल्ट है ना, ये 11, ये 13 है, वो 12 है। तो ऐसे बेल्ट पे आते सारे बैग। तो हमारा 11 पे आएगा। और सबसे पहले हम जाएंगे होटल। यहाँ पे विनीत भाई आएंगे लेने के लिए। गाइस हम इतनी देर से वेट करें, हमारे बैग तो आ ही नहीं रहे यार। फाइनली हमारे बैग आ गए। गाइस एयरपोर्ट से बाहर निकलते भाई इतनी गर्मी लग रही है यहाँ पे भाई, पसीना पसीना हो गया, मतलब बहुत गर्मी है, 30 डिग्री। तो फाइनली विनीत भाई आ गए। नहीं तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मर्सिडीज में। ये देखो ये है ना। और मैंने पापा जी को बोला है जल्दी से गाड़ी चलाना सीख लो, फिर मर्सिडीज गिफ्ट करूंगा। मर्सिडीज या BMW गिफ्ट करूंगा पापा को। मेरे को खुद के लिए तो नहीं, लेकिन पापा जी के लिए जरूर लूंगा एक कंफर्ट वाली। मस्त चलाएंगे तो बहुत गाड़ियां हैं, क्या चलाते हैं। चलो भाई होटल पहुंच गए। तो अभी गाइस मम्मी पापा को होटल छोड़ दिया। अब मैं जा रहा हूँ एक बार दवाई लेने के लिए, बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है। मेरे को ना अजीब सा हो रहा है, उल्टी जैसा, और मतलब गले में भी कुछ हो रहा है और खांसी भी बहुत हो रही है। तो एक बार दवाई ले आते हैं, बिकॉज अभी 2-3 दिन घूमना है यहाँ पे। तो विनीत भाई और मैं जा रहे हैं। तो अभी डॉक्टर को दिखा लिया, दवाई लेने आए हैं। तो एक ये दवाई मिली है, एक ये है, एक ये है, और कौन सी है। तो अभी गाइस दवाइयाँ लेके हम जा रहे हैं होटल। और भाई रात के 12 बज चुके हैं। और देखो भाई 12 बजे भी इतना ट्रैफिक, मतलब मुंबई में रात के 12 बजे भी देखो। और देखो हम कहाँ फंसे हुए हैं, सिर्फ 2 मिनट दूर है, सिर्फ 2 मिनट दूर फंसे हुए हम। तो फाइनली होटल पहुँच गया हूँ। रात के 12:30 बज गए। मम्मी पापा तो रेस्ट कर रहे हैं। तो फाइनली अब चलते हैं अपने रूम में। तो ये हमारे रूम, यहाँ साइल सोएगा, यहाँ मैं सोऊंगा। मस्त 2 बेड है ना यहाँ पे। तो फिलहाल अब मैं रेस्ट करता हूँ, सोता हूँ, बिकॉज मेरी तबीयत बहुत खराब हो जा रही है। मैंने दवाई तो ले लिया है, होपफुली बस ठीक हो जाऊँ। बिकॉज डॉक्टर ने ऐसी बातें बोल दी ना भाई, कि भाई मैं झटका लगा, जो कि मैं कल बताऊँगा कि डॉक्टर ने क्या क्या बोला मुझे। तो चलो फिलहाल तो मैं सोता हूँ। और आज का दिन काफ़ी बेस्ट है, जैसे आपने देखा मम्मी पापा को फर्स्ट टाइम फ्लाइट में ले गए, और काफ़ी मतलब अच्छा सा लगा मुझे, बहुत अच्छा मम्मी को देख के पापा जी को देख के। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। फाइनली मुंबई पहुंच चुके हैं, आप देखते हैं मुंबई में कहाँ पे घूमेंगे, क्या क्या करेंगे फैमिली के साथ में, मम्मी पापा के साथ में, जो भी हो। कल तो शादी में जाना है भाई, देखते हैं फिर जो बस तबियत ठीक हो जाए यार, तबियत ठीक रहे मेरी। मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। गैस मम्मी कान बंद हो गई, दोनों कान बंद हो गई और कुछ नहीं होगी, बहुत ही अंदर। कोई बात नहीं, हो जाएगी ठीक।